और जितना इस प्रोमो का वीडियो शूट इम्पॉर्टेंट था उतना ही इम्पॉर्टेंट था इसका टाइटल शूट। टाइटल शूट वो तस्वीर है, जब भी आप रैम की रानी कौन की कोई भी एपिसोड देखेंगे तो हर दफ़ा आप एक टाइटल वहाँ पे देखेंगे जो 13 लड़कियों का है। वो हमारा टाइटल शूट था और वो भी हमारा टास्क था, लाइक एक टास्क था उनका प्रोमो शूट और एक टास्क था उनका टाइटल शूट, जिसको फोटोग्राफ करने के लिए हमारे साथ थे शानी फ्रॉम गुड्डू एंड शानी। रैम की रानी कौन मेरे ख्याल में मॉडल्स के लिए और नए आने वाले टैलेंट के लिए एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म साबित होगा। आई फील रियली ऑनर्ड कि मैं इस प्रोग्राम का जो है वो पहला शूट कर रहा हूँ और टाइटल शूट कर रहा हूँ, जो कि थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है वो आप लोग देखते रहेंगे। टाइटल शूट में उन सबको अपने कैरेक्टर्स में खड़े होना था और उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से उन्होंने अपने उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना था। जैसे कि मुझे बताया गया है कि इस शूट में से हम इस प्रोग्राम की पहली एलिमिनेशन भी कर रहे हैं और उसके मुताबिक ही मैंने तमाम मॉडल्स को जो है वो अच्छी तरह से ब्रीफ किया है कि ये शूट इस तरह का है कि अपेरेंटली आपको यही लगेगा कि एक ग्रुप फोटोग्राफ है, लेकिन इंडिविजुअली जो हर मॉडल की अपनी एक इंट्रैक्शन है दूसरी मॉडल्स के साथ, एक पोस्चर करने की और किस तरह के एक्सप्रेशन देने हैं इस थीम के मुताबिक, वो इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल होगी। और इस टाइटल शूट की एलिमिनेशन हमारे लिए बहुत अहमियत रखती थी, इसलिए हमने अलॉन्ग विद शानी ऑफ गुड्डू एंड शानी इन्वाइट किया द डिज़ाइनर गुरुज निकी एंड नीना। हम चाहते थे कि वो इन पर्सन वहाँ पे खड़े होकर लाइव लड़कियों की परफॉर्मेंस देखें, ताकि वो जब जजेस के पैनल पे बैठें तो उनके सामने एक प्रॉपर एक तस्वीर होगा किस लड़की ने कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि हमारी ज्यूरी और हमारे तमाम तर जजेस जो हैं वो इसी की बेस के ऊपर इस शूट को जज करेंगे कि मॉडल्स जो हैं वो एक ग्रुप फोटोग्राफ के अंदर किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है और उनकी केमिस्ट्री जो है वो बाकी लोगों के साथ किस तरह से डेवलप होती है। सो बेसिकली जो टाइटल शूट की एलिमिनेशन है उसमें निकी एंड नीना, शानी, एनी, नेटी, इन लोगों का जजेस का पैनल था और इन लोगों ने डिसाइड करना है कि कौन लड़की आज टाइटल शूट में लीस्ट आएगी एंड दैट गर्ल वुड बी द पार्ट ऑफ द एलिमिनेशन टीम। और हर मॉडल के ऊपर जो है वो बहुत गौर से हर मॉडल को देख रहे हैं कि वो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस और ड्यूरिंग देयर फर्स्ट शूट उनका टूवर्ड्स द फोटोग्राफर, टूवर्ड्स देयर प्रोफेशन उनका एटीट्यूड क्या है। इस फॉर्मेशन के अंदर जो है वो ख़ास तौर पे मॉडल्स की तमाम मॉडल्स की हाइट का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया। मैं सिर्फ ये चाहता था कि क्योंकि उनका पहला शूट है और जब वो इस शूट को देखें तो उनके अंदर एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो। और हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि हमारे ऑडियंस ही सबसे बेस्ट जजेस हैं और हम जितनी भी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, हम ये तहे दिल से चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस हमारा प्रोग्राम फॉलो करें और अपना प्रॉपर फीडबैक दें, हमें बताएं कि उनको कौन सी एपिसोड अच्छी लग रही है, कौन सी बुरी लग रही है और हम इसमें मज़ीद क्या बेहतरी लेके आ सकते हैं, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे रैम की रानी कौन इज़ ओनली फॉर यू पीपल। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग रैम की रानी कौन द लास्ट ब्यूटी स्टैंडिंग। I don't hear you. Hello. Happy, nervous, or nervous all the way? Happy and nervous. And a little bit of nervous. Don't be fake. Just say you are nervous, right? Yeah, we are. Okay, one of you will be eliminated, not by me, by the judges. Let me introduce you to my fantastic jury today. Nina and Nikki, the brilliant, brilliant duo ever, designers, leading designers of Pakistan. Annie Valenora, as all of you have been working with her, she is the official stylist for Ram Ki Rani Kaun, the last beauty standing. Yeah? Yeah! Shani of Gudu and Shani, right? Right! As I do look for a lot of posture, presence, style, confidence, and of course a lot of attitude, right?
we are going to have all of you walk one by one. एक एक करके आप लोग सामने आएंगे, खड़े होंगे. Our judges will look at you happily, critically, nicely, badly, in every which way. Right? Right. बहुत सारे prizes हैं हमारे पास. 10 lakh का winner prize including 5 lakh rupees cash. Crown crafted by Shafak Habib. 1 year privilege package of Face of Annie or Eleonora. A 1 year contract with the king of the fashion industry, Atash Hazar. Top cover paid shoots. 5 day visit to Malaysia and Bangkok. 1 year talent contract with A+. सिला जो है वो उसकी हाइट भी अच्छी है, रैम के लिए बहुत अच्छी हाइट है. और लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम है कि उसको भी वेट लूज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और ड्यूरिंग द शूट जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ जो है वो खड़ी हुई थी. लेकिन अभी आपको थोड़ा सा उसके ऊपर और काम की ज़रूरत है. प्रैक्टिस के लिए टाइम दे रही हो कि देखो कि किस तरह आपने वॉक करनी है, एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं, शीशे के सामने देखने हैं. और पोस्चर जो सबने आपको कहा है कि अपने कोऑर्डिनेशन सारों के साथ, और ना हमें ओवर होना है और ना हमें अंडर होना है. प्रिटी फेसेस जस्ट डोंट वर्क, प्रिटी फेसेस वर्क बट और बहुत सारी चीज़ों के साथ. बट यू हैव द पोटेंशियल, इफ यू वर्क हार्ड फिर आप कर सकती हैं. मेहनत के बगैर तो कोई भी चीज़ नहीं होती और हर चीज़ सीखनी पड़ती है. ओवरऑल हाइट उनकी बहुत अच्छी है, हाइट है वेरी गुड. और एक्सप्रेशन लेस है वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है. और जो स्टिफनेस है वो किसी जगह पे अच्छी लगती है, किसी जगह पे नहीं अच्छी लगती. सो ओवरऑल व्हेन एवर यू आर वर्किंग विद अ टीम और जब इस तरह के कभी भी ग्रुप शूट हो तो उसमें आप जब भी पोस्चर कर रहे थे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ी नॉर्मलाइज किस्म की होनी चाहिए, बिल्कुल उसमें स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए. और एक्सप्रेशन जो है वो मैं कैमरे से जो चीज़ नोट कर रहा था, आपकी एफर्ट बहुत ज़्यादा थी उसमें, और विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट जो कि मुझे बहुत सारी लड़कियों में मिसिंग नज़र आ रही थी. लेकिन आप यू वर इन टू द शूट जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज अभी शायद बिल्कुल इनिशियल स्टेज है तो सपोर्ट नहीं कर पा रही थी. थैंक यू. अमना बाबर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और बल्कि मुझे देख के जो है वो ये हैरत हो रही थी कि बिल्कुल नई लड़की है. और कैमरे के सामने शी वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट, और उसका पोस्चर बहुत अच्छा था, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा था. The body language was very posture, yes. The posture was also very good. So it was nice. Yeah, it was very nice. Very nice. I think so, she was quite well. You can't have the same look. If this is doing good for you, it doesn't have to be good for any other outfit. So you'll have to keep that in mind. Flexibility is the name of the game, but yeah. Rida ki styling bhi jo hai wo bahut zabardast hui bhi thi. और वो बहुत अच्छी लग रही थी, और मेरे ख़्याल में जिस तरह से वो सबसे पीछे खड़ी हुई थी और उसको बहुत ज़्यादा परफॉर्म करने का मौका नहीं था इस फोटोग्राफ के अंदर, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशंस अपने स्टाइलिंग के मुताबिक बहुत ज़्यादा अच्छे कैरी किए. एक तो ये है कि जब ये वॉक करके आ रही थी तो मुझे लगा कि बॉडी में बिल्कुल ही कोई मूवमेंट नहीं थी. तो होता है कि यू नो यू हैव टू वॉक विद एटीट्यूड, मगर मूवमेंट थी ही नहीं बिल्कुल. बहुत ज़्यादा स्टिफ है. टू मच एटीट्यूड एंड शी वाज वेरी स्केयर्ड, अपने हर कदम पे डर डर के अगला कदम रख रही थी. सो यू नो वी कैन टेल फ्रॉम अ माइल कि आप ज़रा खौफ ज़्यादा हैं. और मेरे ख्याल में स्टिल में भी थोड़ा सा एक्सप्रेशन की कमी थी, कमी थी बल्कि बहुत ही कमी थी एक्सप्रेशन की, और एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं था. देखो तुम्हारा फेस बहुत अच्छा है स्टिल के लिए, और शक्ल तुम्हारी बहुत प्यारी है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैंने लास्ट टाइम भी इस सिचुएशन ये की थी, तुमने आप जो काम करने जा रहे हो आपका फोकस होना चाहिए कि उसकी डिमांड क्या है, सही है. और मेरा ख्याल है तुमने प्रैक्टिसेस नहीं की, अगर की होती तो आज ही सब लोग आप एक्सप्रेशंस और चीज़ों का ना कह रहे होते. मतलब सारा टाइम फ्रेंच फ्राइज खाने में गुजार दिया. ओह माय गॉड, यू कांट हैव फ्रेंच फ्राइज. नहीं नहीं, आप कुछ चीज़ें तो आपको अपनी ज़िंदगी से निकालने पड़ेंगी अगर आप मॉडल बनना चाहते हैं, सीरियसली मॉडलिंग करना चाहते हो. एंड अगेन वेट आपके लिए बहुत बड़ा मसला है, आपको वेट भी अपना चेक करना पड़ेगा. मतलब शानी ने एक्सप्रेशन नोट किए होंगे. शानी आपने देखे थे, मैंने कहा शी वाज ट्राइंग टू पोज
कंफ्यूज ज्यादा थी और जब आप मॉडल कंफ्यूज होती तो वो कुछ ज्यादा पोज करने लग जाती एग्जैक्टली तो वो एक्सप्रेशन नहीं थी कंफ्यूजन फेस के ऊपर थी लेकिन आप पोज कुछ ज्यादा कर रहे थे सो ओवरऑल जब भी आप किसी असाइनमेंट पे होते हैं पहला रूल ये होता है कि अपने आप को रिलैक्स करते हैं अपना माइंड बिल्कुल ब्लैंक करते हैं सिर्फ अपने असाइनमेंट के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं और बाकी जो मेरे ख्याल में वेट के जो इश्यूज हैं वो तो हर एक के लिए शायद कुछ लोग हैं जो नहीं है लेकिन ये कि इनको स्पेशली कहा गया है लेकिन मेरे ख्याल में बच्चियों को इन सबको अगले उसके लिए उनको तैयारी करनी चाहिए एक्सरसाइज करें जिम जाएं अपनी मॉडल की बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट और तो ऐसी डाइट्स आ गई कि वीक में आप इतना वेट लूज कर सकते हैं अगर आप वेट लूज करना है उसको टोनिंग की जरूरत है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है रिदा आपके लिए सबके लिए ठीक है इस प्लेटफॉर्म को इतनी आसानी से ना देखिए द गुरुज ऑफ द फैशन इंडस्ट्री आर जजिंग यू सिटिंग राइट हियर ठीक है रिस्पेक्ट दैट ठीक है तो वर्क ऑन इट एंड मोटिवेशन एक चीज़ और नेटी उनको सब बच्चों को मैं कहनी चाहूँगी कि सर के ऊपर किताब रख के प्रैक्टिस करें और रोज़ के कम से कम आधा घंटा चलें किताब बुक्स रख के एक रखें फिर तो बेसिक रूल है मॉडल बनने का वो बुक्स की क्वांटिटी बढ़ाते जाएं जिस तरह आप उसको बैलेंस करते रहेंगे ठीक है डन गुड लक गो बैक थैंक यू